आपका स्वागत है स्टूडेंट्स स्टडी 247 में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है त्रिकोण और दूसरा मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण, मिति का अर्थ होता है ज्यामिति अर्थात आकृति। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज का डेफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। देखते कौन सबसे पहले देता है त्रिभुज की परिभाषा। अब देखिए त्रिभुज की परिभाषा क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति, देखिए ए बी ए सी एंड बी सी, ये तीन भुजा है, इनसे घिरे बंद आकृति को त्रिभुज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके, अब आइए हम पढ़ते हैं क्या समकोण त्रिभुज। आपको ट्रिग्नोमेट्री में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे आपको। ओके, और इसके जो अनुपात है वो भी निकालना सिखाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए समकोण त्रिभुज का परिभाषा देखते हैं पहले। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को ही हम समकोण बोलते हैं। ओके, देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है। आप देख रहे होंगे त्रिभुज एबीसी का एक कोण 90 डिग्री है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस त्रिभुज के बारे में, इसमें क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक हम कोण ले लेंगे अपने हिसाब से थीटा, कोई सा भी, चाहे आप ये कोण लो चाहे ये कोण लो। अगर हम ये कोण लेते हैं तो इसका नाम दे देते हैं थीटा वन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल लेते हैं तो ये हो जाता है थीटा टू। ओके डियर स्टूडेंट्स, ताकि समझने में हमें आसानी हो। देखिए अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी ए सी इक्वल्स टू थीटा वन लिए, तो इसके बेस पे आपका जस्ट इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा, जिसको अपन पी से डिनोट करते हैं अर्थात परपेंडिकुलर। देखिए इसको क्या बोलेंगे, लंब। अब देखिए दोस्तों, आपने लिया है एंगल को क्या, थीटा वन, तो लंब को क्या लिखेंगे, पी वन, ये कभी मत भूलना दोस्तों। ओके, अब देखिए थीटा वन के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगा, बेस अर्थात नीचे वाली भुजा। ओके, क्या हो जाएगा, बेस मतलब आधार, इसको बी से डिनोट करते हैं, बी क्या हो जाएगा, आधार। और आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। एक तो कर्ण को ये तरीका है बचाने का, अर्थात सबसे लंबी भुजा को, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा अर्थात एच, हाइपोटेनियस। दूसरा भी तरीका है दोस्तों इसको पहचानने का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो आइए अब ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर मान लो दोस्तों थीटा टू के बेस पे अगर देखते हैं तो क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा आपको, ज्यादा अच्छी तरीके से दिखे और ज्यादा समझ में आए, मैं हिंदी को इरेज कर देता हूं दोस्तों। ओके, मैंने आपको बता दूं, ये बी वन होगा और ये एच वन, ये कभी मत भूलना दोस्तों। देखिए अगर थीटा टू इसको लेके चलते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी टू। मैंने आपको बोला था थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया, इसके आधार पे ये क्या हो गया, पी टू। अब देखिए दोस्तों थीटा टू के जस्ट साथ वाली भुजा क्या हो जाएगा, बी टू। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। और देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, एच टू। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देखिए एसी जो है अर्थात कर्ण जो है दोनों कॉमन है, अर्थात एच वन एच टू एक ही जगह आ गया, लेकिन इसमें पी वन इसमें बी टू, इसमें बी वन इसमें पी टू। आप देखिए मैंने त्रिभुज एक ही लिया है, अगर आप दो त्रिभुज लेंगे दूसरी भी त्रिभुज लेंगे तब पता चल जाएगा आपको अलग अलग कैसे होना है। इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, एक ट्रायंगल ले लो एबीसी एक बीक्यू आर, उसमें आपको पता चल जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक
ठीक है। तो ये क्या है, ए की एंगल 90 डिग्री, इसी के बेस पे हम देख रहे हैं, बस एंगल थीटा को चेंज किए हैं, इसलिए दोनों कॉमन आ रहा है। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अब देखते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इसके अनुपात क्या क्या होते हैं, ये अनुपात कैसे निकालेंगे, ये अनुपात हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से निकालेंगे। दोस्तों देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच अर्थात लंब बटा कर्ण। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, आगे आप कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए दोस्तों, अब मैंने कहा साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच अर्थात लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसमें आपको अगर थीटा वन को बेस मान के चलते हैं दोस्तों, थोड़ी देर के लिए थीटा वन को बेस मान के चलते हैं, हाँ देखिए दोस्तों, थीटा वन को बेस मान के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। इसके बेस पे देखेंगे तो थीटा के बेस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच, थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा और जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो पी बाय एच। ओके, इसी प्रकार कॉस थीटा का संबंध किससे होगा, बी बाय एच से, ये नीचे वाली भुजा से और कर्ण से कॉस थीटा का संबंध होगा, तो कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, देखिए दोस्तों पी बाई बी। ओके दोस्तों, अब देखिए ये दोनों आपको बस समझना है, ये तीनों आपको समझना है, ठीक है दोस्तों, रटना बिल्कुल नहीं है, रटोगे तो भूलोगे और समझोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, जब भी चाहो तब आप इसको निकाल सकते हो अपने मन से, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे वाला जो तीन है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को याद करने से ही आपको ये तीनों आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसका एक कारण है, अपोजिट देखिए, आप पहले ये देख लीजिए फिर मैं आपको ये बताता हूँ। अपोजिट में क्या है, देखिए दोस्तों, पहला है साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। अब आपको इसके बेस में मैं दिखाता हूँ, देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cosec थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर 1/cosec थीटा होगा तो इसका जस्ट उल्टा होगा क्या, इसका अपोजिट कर देंगे तो cosec का फॉर्मूला निकलेगा क्या, देखिए दोस्तों तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच है तो cosec क्या हो जाएगा, एच बाई पी, देखिए एच चला गया ऊपर, पी चला गया नीचे। ओके दोस्तों, अब आता है cos थीटा, cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/sec एंड tan थीटा का होता है 1/cot। इसी प्रकार cos थीटा तो sec का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos का उल्टा, देखिए एच ऊपर चला जाएगा बी नीचे चला आएगा। ओके दोस्तों, अब tan थीटा में क्या, देखिए पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा, क्लियर, ये आपको तीन याद करने की जरूरत है, बस तीन ऑटोमेटिक याद होगा। ओके दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, आपके बहुत काम आएंगे आगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आगे नेक्स्ट क्लास में आपको सारणी बनाना सिखाऊंगा कि साइन का ये त्रिकोणमितीय अनुपात है कि थीटा में अगर मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 80 अगर आ जाए तो उस टाइम में वैल्यू कैसे पुट करेंगे अपन, उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, मान लो ये 30 डिग्री एंगल होगा तो उस टाइम में वैल्यू क्या पुट करनी, ये चीज आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।